चलिए तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान जारी है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के विधानसभा में मतदान जारी है। कड़ी सुरक्षा के बीच वोट डाले जा रहे हैं। एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू उम्मीदवार है तो वही विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा विपक्ष के उम्मीदवार है। और आपको बता दें कि बैलेट पेपर के माध्यम से ये वोट डाले जा रहे हैं। सुबह 10 बजे से इसकी शुरुआत हो चुकी है और तकरीबन जो है 3 घंटे हो चुके हैं। मतदान अपने मत अधिकार का तमाम विधायक जो है इस्तेमाल भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर राष्ट्रपति के रेस में द्रौपदी मुर्मू वर्सेस यशवंत सिन्हा देखने को मिल रहा है और कांटे की टक्कर साफ तौर पर देखी जा रही है। एक एक जगह पर जहां पर एनडीए की अगर बात कर ली जाए, एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को अपना उम्मीदवार चुना है और यहां पर ट्रम्प कार्ड खेलते हुए एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। तो भाई यशवंत सिन्हा विपक्ष के उम्मीदवार हैं और ऐसे में यहाँ पर कई जगहों पर कयास ये भी लगाए जा रहे हैं, क्रॉस वोटिंग के कयास लगाए जा रहे हैं। और आपको बता दें कि 10 बजे से वोटिंग की शुरुआत हो गई, शाम 5 बजे तक वोटिंग इसी तरीके से जारी रहेगा। तो महामहिम के लिए ये मतदान जारी है। तो आपको बता दें कि देश के 15वें राष्ट्रपति को चुनने के लिए ये मतदान जारी है और खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी अपने मत अधिकार का इस्तेमाल किया और बैलेट पेपर से ये मत अधिकार मतदान करते हुए नजर आए। 4800 सांसद विधायक यहाँ पर राष्ट्रपति की किस्मत को तय करेंगे, आखिर कौन होगा महामहिम, इसको लेकर अब वोटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। 10 बजे तक यहाँ पर 10 बजे से इसकी शुरुआत हुई और आपको बता दें कि शाम 5 बजे तक वोटिंग जारी रहेगी। ये तस्वीरें देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मत अधिकार का इस्तेमाल किया, सीएम शिवराज सिंह चौहान की तस्वीरें दिखाई और इसी तरीके से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी अपने मत अधिकार का इस्तेमाल किया। तो देश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा इसको लेकर अब कुछ ही दिनों में तस्वीरें भी क्लियर हो जाएंगी। तो 4800 सांसद और विधायक जो है अपने मत अधिकार का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर जिस तरीके से राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आज मतदान की जा रही है, महामहिम के लिए यह मतदान की जा रही है, देश में 15वें राष्ट्रपति के लिए मतदान जारी है। सुबह 10 बजे से इसकी शुरुआत हो गई है और शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।